दोस्तों, हमारे शरीर के लिए बेहतरीन औषधियों में से आज हम बात करने वाले हैं भूमि आंवला के बारे में। आंवला नहीं, भूमि आंवला। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि भूमि आंवला क्या है। मतलब दोस्तों, पतंजलि का एक सर्वकल्प क्वाथ आता है जिसमें पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोए, उसमें इन तीनों औषधियों के क्वाथों का मिक्सचर होता है, जिसके बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह एक डेड लीवर में, यानी कि ऐसा लीवर जो कि एकदम मर गया हो, उस मरे हुए लीवर में भी यह दोबारा से जान डाल देती है, तो वो होता है सर्वकल्प क्वाथ। तो उसी सर्वकल्प क्वाथ की एक औषधि जिसका नाम है भूमि आंवला। तो आज हम बात करने वाले हैं भूमि आंवला के बारे में। जैसे कि दोस्तों, आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है, तो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भूमि आंवला यह उगता कैसे है। दोस्तों, यह भूमि आंवला बरसात के मौसम में उत्पन्न होता है। यह फलता फूलता है शरद के मौसम में और यह गर्मियों के मौसम में एकदम सूख जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग नाम, इसके अन्य भाषा में और कौन कौन से नाम होते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। दोस्तों, इसके बारे में कहा गया है कि यह कशेला और अम्ल, यानी कि खट्टा होता है। तासीर की बात करें तो यह तासीर में होता है ठंडा। पचने में दोस्तों यह हल्का होता है। और अंत में दोस्तों, वात, पित्त और कफ की बात करें तो यह विशेष करके पित्त को कम करने वाला या पित्त नाशक होता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं, अलग अलग स्थिति में इसको कैसे लेना चाहिए। इसका सबसे पहला फायदा होता है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया था, यानी कि लीवर पर। मतलब दोस्तों, ऐसा लीवर जो कि एकदम डेड है, खाया पिया बिल्कुल नहीं पचता, बाइल जूस नहीं निकलता, तो लीवर से जुड़े सारे डिसऑर्डर में, फैटी लीवर, तो ऐसे में भूमि आंवला का सेवन करना फायदेमंद होगा। इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है काढ़े के रूप में। करना क्या है आपको, आपको लाना है भूमि आंवला का चूर्ण। मार्केट में अगर कोई अच्छा ब्रांड मिल गया तो मैं यहाँ पे आपको फोटो लगा दूंगा। तो भूमि आंवला के चूर्ण की एक चम्मच आपको डालनी है 400 ml पानी में, और इसी 400 ml पानी को आपको उबालना है, खौलाना है। और दोस्तों, जब तक यह खौल खौल कर एक चौथाई रह जाए, यानी कि 100 ml रह जाए, बस यही आपकी औषधि है, यही आपका फॉर्मूला है। इसका सेवन आपको करना है रोज खाली पेट। और अगर व्यक्ति सिर्फ 15 दिन इसका सेवन करता है तो 15 दिन में ही उसके लीवर में उस व्यक्ति को फर्क दिखना शुरू होगा। और जाने तो जिन व्यक्तियों को बहुत गर्मी लगती है, शरीर में बहुत गर्मी लगती है, दाह होती है, तो भी इस स्थिति में भूमि आंवला का सेवन करना फायदेमंद होगा, बराबर मात्रा में घी या शहद के साथ। दोस्तों, भूमि आंवला का सेवन करना फायदेमंद होता है हमारे फेफड़ों के लिए। इसको आपको ठीक उसी तरह से सेवन करना है जिस तरह से हमने लीवर में जाना था, यानी कि काढ़ा बनाकर। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पेशाब खुलकर नहीं आती, तो भी इस स्थिति में भूमि आंवला का सेवन करना फायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों भूमि आंवला के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह मूत्र जनन होती है, यानी कि इसका सेवन करने से व्यक्ति को मूत्र ज्यादा आती है, व्यक्ति को मूत्र खुलकर आती है। जिनके मुंह में बहुत छाले हो जाते हैं, तो करना क्या है आपको, आपको लेना है 200 ml पानी या एक गिलास पानी। इसमें आपको रात भर डाल देनी है मात्रा अनुसार भूमि आंवला के पत्ते, और सुबह जैसे ही आप उठे आपको इसी पानी से आपको अच्छे से कुल्ला करना है। जल्दी आपकी छालों की समस्या में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, भूमि आंवला के सरस का सेवन करने से व्यक्ति की हाजमा शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति का पेट अच्छे से काम करता है। जैसे कि जिन व्यक्तियों को भूख नहीं लगती या खाना खाने की इच्छा नहीं होती, खाना खाते हैं तो पेट में बहुत गैस बनती है, तो ऐसी सारी समस्या में आपको करना चाहिए भूमि आंवला के सरस का सेवन। दोस्तों, भूमि आंवला का सेवन करने से यह हमारे दिमाग के दर्द में, सिर के दर्द में फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, ये रहे भूमि आंवला के कुछ मुख्य फायदे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।